कि बुत पूज पूज हिंदू मुए वह स्वीकार करे कोई उन्हों का बुत बना के अपने घर च लावे, ईमानदारी ना सोचियो, सोचणगे फिर वह कभी माफ कर पाउणगे सानू? जिहड़े कामां तों साडे प्यो ने सानू रोकिया होवे उह काम असीं करन लग पईए किदां गुरु साहिब खुश हो जाणगे? हुण तां चाइना वालिआं नूं वी पता लग गया सिख बुत पूज के ने, हुण तां फोटोआं बना बना के उत्थों भेज रहे ने, असीं घरां च ला छड्डीआं। औखा लगना पर इहनूं हजम करिओ। हुण कई कहणगे जी किदां दसांगे अपने बच्चिआं नूं असीं वी गुरु नानक साहिब किदां दे सी? अज तक इस्लाम वालिआं ने हजर साहिब दी तस्वीर नहीं बन दित्ती, कल्ले कल्ले बच्चे नूं पता हजर साहिब की ने। इहदा मतलब असीं इन्ने थले चले गए कि अज सानू तस्वीरां दा आसरा लेना पै रहा। दसो अपने बच्चों नू गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा इन्नी दृढ़ करा दिओ कि बच्चों नू गुरबाणी दी विचारधारा चो तुहाडे गुरु पातशाह दे दर्शन होण के गुरु नानक साहिब कैसे सन। अज असीं कित्थे खलो गए? अज सिख दी गड्डी दे डैशबोर्ड ते वी फोटो बाबे नानक दी, दुकान खोलदा है दुकान दे विच वी बाबे नानक दी फोटो, उहदी अगरबत्ती करदा, उहदा धूफ दिखाउंदा है। ते अज बिपरां दाणा बाबा सानू मूर्ति पूजा तो रोकदा रहा, आ वेख तेरे बुत बना तरे तेरे खालसे पंथ ने, तेरे दूल्हे पंथ ने तेरे बुत बना तरे। अज किदां तस्वीरां विकदियां ने, किदां फोटोआं विकदियां ने, कदी सोच के वेखियो। ते जिहड़े गुरु नानक साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच बार बार, कदी सोच के वेखो, भाई गुरदास जी तो वध कोई जाणदा? उह ते कहिंदे ने बाबा जी जदों तुरदे ने गुरु नानक साहिब जी नूं मेहनत करनी पई, बाबे ने भारी तपस्या की, रेत अक आहार कर रोड़ा की गुर करी विशाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर सिंह बने आई। त्याज गुरु नानक साहिब जी इदां बिठाए ने, एक बने सेब पए ने, केले पए ने, एक बने लागे गड़वा पिया है, एक बने बाला जी बिठाए ने, एक बने भाई मरदाना जी बिठाए ने। भाई गुरदास जी सब तो वड्डी साडे कोल गवाही है, वह कहते ने एक बाबा अकाल रूप, सारे पढ़ो अगे, दूजा रबाबी मरदाना, इस तो वड्डी गवाही है कोई? जे बाला नाल दी कोई शख्सियत हुंदी की अर्ज सी उन्होंने लिखण दी? ये बड़े तरीके नाल तुहाडी, क्योंकि भाई मरदाना जी उस समय के डूम सन, उच जाति कदी नहीं सी चाहते कि गुरु नानक साहब की शख्सियत इन्ना उच्चा चुको कि बाबे नानक ने साथी अपना भाई मरदाना डूम चुनिया। वह कहते नहीं, उच्ची जात का भाई बाला जी भी नाल गए। कभी अपनी हिस्टरी पढ़ के देखो, भाई गुरदास जी तो वधिया साडे कोल गवाही नहीं, जिन्होंने गुरु अर्जन साहब जी के कोल बैठ के बाणी लिखी है। जे होंदे तो लिख देंदे, तुहानू पता होवे उन्होंने अपनियां वारां ते कबित उदों लिखे ने जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज गद्दी ते सुशोभित हो चुके ने। पढ़ो, पंज प्याले, छठम पीर, अर्जुन काया, मूर्त हर, इहदा मतलब गुरु हरगोबिंद पातशाह तखत ते सुशोभित हो चुके ने, उदों इह पौड़ी दा उचारण हो रहा है। इन्हां सारा कुछ वापरन तों बाद कि भाई गुरदास जी ना छड्ड जाण भाई बाला जी दा, इह किवें होएगा? अज प्रचारक नूं पता है, पता क्यों नहीं बोलदा? तुहाडे विरोध करके कि तुसी डांग कढ लिआउणी है, तुसी पढ़िया नहीं, तुसी गालां कढ़न लग पैणा है। इस करके प्रचार कहिंदा छड्डो, जिद्दां दा सुणदे उद्दां दा उच्ची बोलो प्यारिओ, सुणा दिओ जिद्दां दा सौदा। जे डॉक्टर मरीज वेख के दवाई देवे, उह डॉक्टर मरीज नाल धोखा कर रहा है। मरीज नूं खंड पसंद होवे, उहनूं गुलाब जामुन पसंद होवे, उहनूं परौंठे ते तलियां चीज़ां पसंद होण, पर डॉक्टर नूं पता होवे कि इह इहदे लई जहर है, सियाणा डॉक्टर कहेगा जे चार साल जीना चाहना तो यह चीजा अज तो बंद। तो जे ये कहे जे इनू मैं रोकया कित गुस्सा ही ना कर जाए, बोलो जी, जे मैं इनू कहता तू गुलाब जामुन ना खाया कर, गजरीला ना खाया कर, आइसक्रीम ना खाया कर, सवेरे ब्रेकफास्ट बनता परौंठा ना खाया कर, सुकी रोटी खा लिया कर, कित गुस्सा ही ना कर जाए। तो इस करके मैं ये गुस्से तो डरदा भी नाराज ना हो जाए मेरे तू। ते मरीज पुछे डॉक्टर साहब किवें आ, वह कहेगा तू तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, तेनों तो होया ही कुछ नहीं, तू तो परौंठे चार खाया कर सवेरे। दसो जी डॉक्टर ने मरीज का भला किया कि नुकसान, बोल के दस्यो हुण, उच्ची बोलो जी। बस जेडे तुहानू इह कही जांदे ना तुहानू कख नहीं होया, वह तुहानू मारना चाहते ने, वह तुहानू खत्म करना चाहते ने। छिल छलैया होना बहुत जरूरी है, लकड़ का छिल छलैया हुंदा ते लकड़ सोहनी बनती है,
हर जियो निमाणा तू माना नचीजिया चीज कर मेरा गोबिंद तेरी कुदरत को कुर्बाना असमने।